जे रैली ना हुई तो पार्टियां का कद बोना हो जाएगा। जे रैली ना हुई तो पार्टियां का कद बोना हो जाएगा। और सुनो, जे बालक स्कूल में चले गए नहीं तो उनका कोरोना हो जाएगा। दोस्तों राम राम। मैं रिमन आप सब कश अम्मी एक नई कविता लेके आई हूँ। कविता वर्तमान हालात ने देख के लिखी है कि जे कोई रैली ना हुई तो पार्टियां का कद बोना हो जाएगा, और जे बालक स्कूल में चले गए तो उनका कोरोना हो जाएगा। देश में आंदोलन भी होवेंगे और लोग इकट्ठे भी होवेंगे। जे एक पेपर ले लिया नहीं तो झगड़ा बोझ ढोना हो जाएगा। और सुनो, जे बालक स्कूल में चले गए तो उनका कोरोना हो जाएगा। नेता भी आवेंगे और कार्यकर्ता भी जावेंगे। नेता भी आवेंगे और कार्यकर्ता भी जावेंगे। जे किसी ने हकी खातिर आवाज उठाई नहीं तो रोना हो जाएगा। और सुनो, जे बालक स्कूल में पहुंच गए नहीं तो कोरोना हो जाएगा। जनसंपर्क भी होगा डोर टू डोर। जनसंपर्क भी होगा डोर टू डोर। और जे बस में 32 से 33वां आदमी बैठ गया नहीं तो आपस का झगड़ा झोंणा हो जाएगा। और सुनो, जे बालक स्कूल में पहुंच गए नहीं तो उनका कोरोना हो जाएगा। विदेशा तो चीज भी आओगी और उनका मुहूर्त भी होगा। विदेशा तो चीज भी आवेगी और उनका मुहूर्त भी होगा। पर जे हमने किसी का हाथ लगा के हाथ ना धोए ना तो हाथ जीवन तो धोना हो जाएगा। और सुनो, जे बालक स्कूल में पहुंच गए नहीं उनका कोरोना हो जाएगा। ट्यूशन पे भीड़ होगी, ट्यूशन पे भीड़ होगी, आपस में चीड़ होगी, ना तो पढ़ाई का खोना हो जाएगा। और जे दो बालक स्कूल में नहीं गए चले गए नहीं तो न्यू सुन लो, न्यू सोच लो, कोरोना हो जाएगा। 10 लोग मिलके नारे भी लावेंगे, साथ में उनके मित्र प्यारे भी आवेंगे। 10 लोग मिलके नारे भी लावेंगे, साथ में उनके मित्र प्यारे भी आवेंगे। और जे 2 मास्टर ने इकट्ठा पढ़ा दिया नहीं, सुनो, जे 2 मास्टर ने इकट्ठा पढ़ा दिया नहीं तो सदा सदा का सोना हो जाएगा। और सुनो, जे 2 बालक स्कूल में इकट्ठे भी गए नहीं उनका कोरोना हो जाएगा। और जे कोई रैली ना हुई तो पार्टियां का कद बोना हो जाएगा। और जे 2 बालक स्कूल में इकट्ठे भी गए तो उनका कोरोना हो जाएगा। यह कविता वर्तमान हालात ने देखते हुए हमने लिखी, जो कुछ महसूस कराया आज का टाइम में एक नेता 40-50 आदमियों का आगे, 100-200-500 आदमियों का आगे खड़ा होकर भाषण देवे है। जुन सा वायरस, सोशल डिस्टेंस तो मरे है नहीं, वो वायरस पनपे है उड़ जाके ना, फिर लोग न्यू कहे बोलिया यू काम करना जरूरी था। तो बड़क की पढ़ाई जरूरी को नहीं। वर्तमान हालात ने देख के मैंने यह कविता लिखी और बताइयो जरूर किसी की लागी। कोई कोर कसर रह गई नहीं तो वह भी बता दियो, ताकि मैं अगली कविता में सुधार कर लूं। और कुछ नए शब्द गल, कुछ नया मुद्दा गल, एक नई कविता की गल दोबारा ते मिलूंगी इसे मंच पे, इसे चैनल पे, इसे जगह पे। जद लग देव इजाजत, सारे ने हाथ जोड़ के राम राम।